अलग से पार्टी की जाएगी और आपको बताना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो स्वागत करते हैं आपका इस नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम इस टाइम हैं आज अपने घर से समथिंग 45 से 48 किलोमीटर दूर कानपुर आए हैं। आपको पता है हम जब कानपुर आते हैं भाई, मज़ेदार ब्लॉग बनता है। हमारी पूरी कोशिश आज रहेगी कि आज का ब्लॉग बहुत ही फ़नी हो, आप लोगों को हंसाने की कोशिश हम करेंगे। और हम इस टाइम कहाँ पे हैं आप देख सकते हैं, पीछे पानी भरा हुआ है और यहाँ पे बोटिंग होती है पीछे। चलो हम आपको बता दें हम इस टाइम कहाँ पे हैं। हम इस टाइम मोती झील में हैं यार। मोती झील तो आ गए, लेकिन हमारे यहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं थी यार। मतलब यहाँ पे सिंगल लोग हमारे जैसे ही लोग आपको दिखेंगे, एक दो यानी सब दो लोगों के साथ दिखते हैं। कौन दो लोग? बाबू, शोना, पता नहीं का हम बताएं, कसम से हमारी ही किस्मत फूटी है भाई। लेकिन कोशिश करते हैं आपको अच्छा हंसाने के लिए, इसलिए मोती झील आए हैं। और भाई 10 रुपये का टिकट भी कटाए हैं भाई, 10 रुपये का टिकट कटा के मोती झील आए हैं। आपको मोती झील का टूर कराएंगे और बाबू शोना को भी दिखाएंगे कैसे यहाँ पे, मतलब रहने दो, आपको वीडियो में पता चलेगा। चलते हैं फिर, मज़ेदार ब्लॉग बनाने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो आप लोग सब्सक्राइब कर दो। जब हम कानपुर में होते हैं तो भाई अलग ही तरह का ब्लॉग बनता है। और भी आए थे हॉस, सोचा था कि आप लोगों को थोड़ा सा फनी ब्लॉग दिखाया जाए। और भैया 10 रुपये खर्चा किए भाई ब्लॉग के लिए। नाम पे तेरे जाएगी। तो करेंगे भाई बिल्कुल। और भाई पार्क में घूमेंगे। और अभी तो टाइम कुछ ज़्यादा है, भाई दोपहर का वक्त है, अभी यहीं पे हैं, उसके बाद निकलते हैं, शाम को निकलेंगे। थोड़ा सा ठंडा एरिया भी, यहाँ पे पेड़ वगैरह लगे हुए हैं। और अच्छा अच्छा ब्लॉग आपको दिखाएंगे। बात ये थी कि अभी निकलना है टूर पर, और टूर पे निकलने के बाद फिर देखा जाएगा। अब बस हम आने वाले हैं दिल्ली। और बात की जाए कि 15K होने के बाद फिर अलग सी पार्टी की जाएगी। और आपको बताना चाहते हैं कि जैसे कि हम वहाँ गए थे, लेकिन अगली बार आए थे कानपुर, इसके पहले जो वीडियो बना था उसमें थोड़ा सा कुछ ज़्यादा फ़नी था नहीं, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। और भाई 10 रुपये खर्चा किया भाई, और 10 रुपये खर्चा किया तो भाई इसका हम तो पूरा वसूलेंगे भाई, क्योंकि भाई 10 रुपये लगाए मोती झील आने में। एक एक रुपये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 रुपये खर्चा तो 1 रुपये का इम्तहान। और हम आपको दिखाएँगे मोती झील का, हम आपको मोती झील का टूर भी कराएँगे। वाह भैया, बहुत ही गजब के दृश्य है, देखो ये हाथी। और आगे ये आपको दिखाते हैं, तो वो झूलने का स्थान है, बच्चों के खेलने का स्थान है। और धीरे धीरे बढ़ते हैं। जय हिंद सर। और यहाँ का व्यू देखो गजब भाई, वाह शुभ। गजब भाई, भाई मोती झील में शाम ही को मज़ा आता है घूमने का। ये देखो भाई सुपर, वाओ सुपर। जैसे हम अपने धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं जाने के लिए। तो दोस्तों फाइनली झील, मोती झील से वापस आने के बाद अब हम इधर आए हैं। आलोक का बर्थडे है और अपने सरदार जी का बर्थडे है, दोनों का बर्थडे है, और दोनों बर्थडे पार्टी में हम लोग जाएंगे और भाई खूब मस्ती करेंगे भाई। और मोती झील से इसलिए वापस आए थे क्योंकि वहाँ तोता, मैना, बाबू, सोना सब लोग थे यार। हमने सोचा क्यों उनको डिस्टर्ब किया जाए भाई, यार डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं भाई। अपने पास नहीं कोई तोता मैना तो क्या किसी को डिस्टर्ब करें भाई, कभी भी नहीं। और कुलदीप सर, कौसलेन सर और हमारे रविंदर सर, लेकिन कुलदीप सर की फ़ैन फॉलोइंग की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा है। दो शब्द भैया बोल दीजिए अपने वॉइस में। हेलो हेलो भैया, हम आज आए हैं चौहान ढाबा पे पूरी सब्जी खाने। ये जयदीप का बर्थडे है ना, बहुत खाएंगे हम अभी देर में। कितना भैया बर्थडे बॉय से भी आपसे, आपको मतलब बर्थडे बॉय से भी मिलवाते हैं आपको। चलो हमारे साथ, अभी दिखाते हैं तुमको। काट लो भाई, खराब
वीडियो बन रहा है। तो भैया भैया केक कट चुका है भाई बर्थडे बॉय का। फिर हमारी तरफ से आलोक भाई को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता रानी जल्दी से एक करोड़पति से 10 करोड़पति बनाए। और रविंदर जी टाटा कंपनी के मालिक। अब इसके बाद हम लोग जा रहे हैं खाना खाने अंदर। भाई भाई ये हमारे अंशु भी आए हैं और बहुत दूर से आए आलोक के बर्थडे पर खास। चलते फिर अंदर। आगे बढ़ गया। सरदार भाई का जन्मदिन है। सरदार का बर्थडे भाई।